तो हे गाइस, वेलकम टू 14th एपिसोड ऑफ पोकेमॉन फायर एश। आज के इस एपिसोड में हम लोग चैलेंज करने वाले हैं पोकेमॉन लीग को। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ट्रेनिंग करने वाला हूँ ऑफलाइन मेरे पोकेमॉन्स के साथ, और जो कि मैंने की भी है। तो मैं सबसे पहले आपको मेरे पोकेमॉन्स दिखा देता हूँ और फिर हम लोग बैटल करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पोकेमॉन मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने बल्बसौर को 46 लेवल तक ट्रेन करके रखा हूँ। पीजी ऑटो था वो इवॉल्व हो चुका है पीजी ऑट में। पिकाचू लेवल 50 का हो चुका है, क्योंकि मैंने अब बताता हूँ, एक पहले मैं सबको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। स्क्वाटल भी 46 को ट्रेन करके रखा हूँ। चारिजार्ड 50 का है और मक 44 का है। तो इसके पीछे एक रीज़न है मैंने मेरे पोकेमॉन को इतना ट्रेन करके क्यों रखा है, क्योंकि गाइज एक बात ध्यान रखो कि मैं ये जो लीग है वो मैं मतलब पोकेमॉन विदाउट इवॉल्व की हुए, मतलब इवॉल्व नहीं हुए मेरे पोकेमॉन, इसलिए ये थोड़ा हार्ड जाएगा। इसलिए मैंने मेरे पोकेमॉन को थोड़ा ज़्यादा ही ट्रेन कर लिया आई थिंक, बट कोई नहीं, आई थिंक इतना ठीक होने वाला है। तो सबसे पहले आज के इस एपिसोड में हम लोग पहले जाके थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि गाइज हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है, बट ठीक है। सबसे पहले तो अपने को बहुत सारे रिवाइव लगेंगे, आई थिंक इतने ठीक रहेंगे। ओ इतना तो सब कुछ इतना ही उसमें ही चला गया, फुल रिस्टोर बैग में एक भी नहीं है। ओके तो मैं 4 खरीद लेता हूँ, और हाइपर पोशन आई थिंक कितने बैग में, 5 ही हैं, तो आई थिंक 4 इसमें बहुत हो जाएंगे। और सुपर पोशन आई थिंक बहुत होंगे, 9 हैं, तो और 3 खरीद लेता हूँ तो होपफुली बहुत आ जाएंगे। अभी रिवाइव भी हमने बहुत सारे खरीद रहे, फुल हील भी खरीदने पड़ेंगे, क्या पता भाई पोकेमॉन अभी सो भी गया तो फिर लग जाएंगे हमारे एल। और फिर और क्या लेना चाहिए, मैक्स पोशन खरीद लूँ क्या मैं, आई थिंक 4 तो है ही बैग में, आई थिंक हम लोग गुड टू गो है अभी। और एक और बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाइज, मैंने मेरे वो पोकेमॉन के साथ भी ट्रेनिंग की है जो ऐश ने एनीमे में पोकेमॉन के साथ की थे। तो कहाँ गया मेरा स्टोरेज, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, मूव पोकेमॉन में जाके दिखाता हूँ। मैंने मेरे टोरस के साथ भी ट्रेनिंग कर ली ऑफलाइन में, 45 का उसको भी ट्रेन कर चुका हूँ। और अपना जो क्रैबी था वो अभी इवॉल्व हो चुका है, यानी कि वो किंगलर में इवॉल्व हो चुका है, उसके साथ भी मैंने ट्रेनिंग की है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। हम लोग किंगलर के साथ भी मैच खेलने वाले हैं, तो डोंट वरी। तो सबसे पहले हम लोग आपको आई थिंक सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सबसे बात कर लेते हैं, एज लॉन्ग एज आई डोंट गो अप अगेंस्ट अ साइकिक आई एम गोना ए सीट, ओके आई एम गोना विन, ओके तो मैं क्यों खेलने नहीं आऊँ क्या यहाँ पे, आई एम गोना विन, दोनों बोल रहे मैं जीतने वाला हूँ, आई एम सो रेडी, ओके ये बंदा कौन है, माई टीम इज़ परफेक्ट, आई एम गोना बी द चैम्पियन, ओके क्यूबॉन है इसके पास, और ये कौन है, देर आर 4 स्टेजेस यू कुड स्टार्ट ऑन, दे कुड बी ग्रास वाटर रॉक और आइस, यू हैव टू कम्प्लीट देम ऑल टू मूव ऑन, ओके मतलब मेरे को 4 बैटल पहले लड़नी पड़ेंगी। आई होप आई स्टार्ट ऑन द आइस स्टेज, क्यों भाई आइस स्टेज में ऐसा क्या है, फॉरगेट अबाउट द बैटल्स, डू यू सी एवरी थिंग दे आर सेलिंग हियर, ओके ये मार्ट का बंदा है तो ये सब भाई बात करेगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस और ओके मैं ये मतलब ये बोल रही हूँ मैं पूरे साल से इसकी बात कर वेट कर रही थी, कम ऑन स्लोपो गेट सीरियस, ठीक है आई थिंक ये क्या है, हेलो हियर यू कैन रजिस्टर फॉर इंडिगो लीग, वुड यू लाइक टू रजिस्टर, जी हाँ यार, ऑल राइट योर फर्स्ट बैटल विल बी ऑन वाटर स्टेज, गुड लक, वाटर स्टेज कहाँ पे है ये है क्या, ओके ये इंडिगो स्टेडियम है, रॉक है ये, रॉक वाला स्टेडियम है ये, आइस वाला है, ओके आई थिंक ये होगा, यही है, ओके मतलब इतनी जल्दी हमारा बैटल भी, वेल व्हाट एन इजी फर्स्ट चैलेंज, ओ वेल प्रिपेयर टू लूज टू आउटस्टैंडिंग, आई थिंक वही लिखा है, मंडी क्या लिखा है वो, ओके तो मेरे को यहाँ पे 3 पोकेमॉन चूज़ करने हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा ट्रिकी जाऊँगा, मैं सबसे पहले आई थिंक हम लोग पहले चारिज़र्ड को ये करेंगे, फिर उसके बाद हमारा पिकाचू, और आई थिंक चलो मक को दे देते ट्राई, आई थिंक यही 3 पोकेमॉन हमारे होने वाले हैं। तो चलो अभी पहली बैटल आ रही है पोकेमॉन लीग की, जगलर है ये तो वे एग्जीक्यूटर, ओके ओके होपफुली इसके तो 38 लेवल का है, मतलब मैंने ज़्यादा ही ट्रेनिंग कर ली आई थिंक, बट कोई बात नहीं, मतलब मेरी टीम इवॉल्व नहीं है तो इतना तो चलता है गाइस, वन शॉट के लिए यार। सीड्रा ओके, सीड्रा के लिए तो मेरे पास पिकाचू है ही, अगर वो भी 38 का ही हुआ तो इजीली हम लोग ये बैटल जीत जाएंगे यार, जस्ट लाइक ऐश तो हमारा मतलब ओमकार तो ऐसे ही जीत जाएगा जस्ट लाइक, और एक गोल बैट यार ये तो और भी इजी है, एक और थंडरबोल्ट और तू तो घर पे जाएगी या फिर जाएगा,
ओके, हमने पहली मैच इतनी इजीली जीत चुके हैं, जस्ट लाइक व्हाट, बट हाउ डिड आई आउटस्टैंडिंग मैंडी लूज? क्योंकि ब्रो मेरे पोकेमोन को ज़्यादा ही लेवल अप थे शायद से, मतलब मैंने इतनी जो ट्रेनिंग की थी ऑफलाइन वो कभी वेस्ट नहीं गई, ये तो बोल सकते हैं। चलो अभी एक बार यहाँ पे पोकेमोन हील कर लेते हैं गाइस, और अभी मैं थोड़े से टीम में चेंजेस करने वाला हूँ। मेरे को हमारा एक पोकेमोन चाहिए जो हमारे पीसी में बैठा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्क्वाटल को डिपॉजिट कर देता हूँ मैं, और एक पोकेमोन को निकालना भी है मेरे को। हम लोग किंगलर के साथ एक मैच खेलेंगे, और एक मिनट मैं आपको किंगलर के मूव्स बता देता हूँ क्या क्या है। उसके पास कोई वाटर टाइप हमला है भी कि नहीं? आई डोंट थिंक, किधर गया उसका वाटर टाइप हमला होगा उसके पास यार। मेटल क्लॉ है, वाइस ग्रिप है, मड शॉट है और स्टॉम्प है। ओके, उसके पास एक भी वाटर टाइप हमला नहीं है, तो सबसे पहले उसको हम लोग एक वाटर टाइप हमला सिखा देते हैं। हमारे पास आई थिंक मूव्स में रहेगा वाटर टाइप हमला एक तो। ओके, स्कार्ड एक वाटर टाइप हमला है तो वो काम कर जाएगा आई थिंक, और सीख भी रहा है किंगलर, तो एक मिनट वही काफ़ी अच्छी बात है। बट अभी प्रश्न ये है कि हम कौन सा अटैक हटाए, स्टॉर्म और ठीक है चलो मेटल क्लॉ हटा देता हूँ, मेटल क्लॉ हटा ही देता हूँ भाई। मेटल क्लॉ इतना इजी, हाँ अच्छा अटैक है बट मेरे को पसंद नहीं है गाइज, मेरे प्रिफ्रेंस में मैं मेटल क्लॉ यूज़ नहीं करता। तो एक मिनट गाइज, ज़रा मैं क्या करूँ अभी, अभी दूसरी मैच है कहाँ पे? आई थिंक यहाँ पे नहीं, ये तो ग्रास स्टेज है। बट एक मिनट गाइज, यहाँ पे हमारी पहली मैच हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं गेम सेव कर लेता हूँ, क्योंकि यार पता नहीं यहाँ पे कुछ भी होता रहता है। यहाँ पे है क्या मेरी? नहीं, ये तो आई स्टेज है। मेरी दूसरी थी कहाँ पे? ओके यहाँ पे है। आई मेड इट थ्रू माई फर्स्ट राउंड, आई एम नॉट लूजिंग नाउ। ओके तो गाइज़ यहाँ पे मेरे को अभी पोकेमोन चूज़ करने हैं, तो मैं कौन से पोकेमोन चूज़ करूँ? ओके तो गाइज़ हम लोग आई थिंक अभी किंगलर को लिया है, तो किंगलर के साथ जाना चाहिए, और पीकाचू को तो लेना ही चाहिए, हमारा स्टार्टर है, और चारिज़ार्ड के साथ जाऊँगा ये मैच में। लेट सी क्या होता है अभी रिजल्ट। ओके, ये टेमर मैट इसका नाम है, इसके पास एक ओके यार रैपिडैश लेवल 40 का है, बट ठीक है हमारे पास वाटर टाइप हमला। अच्छा हुआ मैंने ये मैच में पहले घुसने से पहले हमारे किंगलर को कोई वाटर टाइप हमला सिखाया। उसके पास फ्यूरी अटैक है, ओके दो ही बार हिट किया, वेरी सैड बॉय। इन्फर्नो और उसका अटैक मिस हो गया गाइज, हम लोग बहुत लकी है दैट मीन्स। एक पोलीवर आ रहा है, पोलीवर के लिए हमारे पास पीकाचू है। और अरे यार मैं ऐसी टीम क्यों चूज़ कर रहा हूँ जो एकदम सामने वाले के अगेंस्ट सुपर इफेक्टिव आ रही है, जस्ट लाइक क्या मतलब हम लोग लकी है इसलिए शायद से। अभी कौन है? एक नीडोरिनो, नीडोरिनो के तो हम लोग शायद से चारिज़ार्ड हरा देगा, चारिज़ार्ड का फ्लेम थ्रोवर ही काफ़ी हो जाएगा नीडोरिनो के लिए। यार तू एक इसको ये भी तो दे सकता था, मूनस्टोन से नीडो किंग बना सकता था, बट यार कोई बात नहीं, तुम लोग हारने के लिए आ चुके हो, तो आई कांट बी डन ऑलरेडी। बट हो ब्रो तू हार चुका है, आई डोंट वॉन्ट टू गिव अप ऑलरेडी। अब क्या कर सकते, तू हार चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विनिंग योर सेकेंड मैच, योर नेक्स्ट बैटल विल बी आइस स्टेज। ओके आइस तो इधर ही किधर तो था, बट पहले हम लोग पोकेमोन हील कर लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ओके पोकेमोन आई थिंक नज़्जो हील कर चुकी है, हाँ। तो यहाँ पे एक बार मैं गेम सेव कर ले, ऑप्शन में क्यों आ चुका हूँ, एक मिनट में गेम सेव कर लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे भी गेम सेव हो चुका है मेरा, तो अभी आई थिंक ये था स्टेज। ओके हाँ जी हाँ यही था स्टेज, गुड लक। ओके तो यहाँ पे मेरे को अब फिर से तीन पोकेमोन चूज़ करने हैं, तो एक मिनट में कौन से पोकेमोन चूज़ करूँ ज़रा सोचने दो मेरे को। ओके तो गाइज आई थिंक अभी हमें फिर से एक किंगलर के साथ जाना चाहिए, फिर आई थिंक एक पिकाचू ले लेता हूँ मैं, और फिर हमारा मक या फिर पिजियोट किसको लूँ, या फिर चारिज़ार्ड को भी ले सकता हूँ मैं, बट आई थिंक हम लोग मक के साथ जाएंगे। ओके तो बैटल स्टार्ट हो चुकी है, अभी वेट करते हैं गाइज। इसका पहला पोकेमोन एक रायहॉन है, ओके अच्छा हुआ हमारा पहला पोकेमोन किंगलर था, नहीं तो हम लोग हार सकते थे। बट मैंने तो पिकाचू भी चूज़ किया है, अच्छा हुआ इसने पहले रायहॉन भेजा, नहीं तो हमारा। ओके इसके पास एक आर्कनाइन है, होपफुली हम लोग इसको डिफीट कर पाएंगे शायद से एक्सट्रीम स्पीड। ओके बट हमारा डिफेंस काफ़ी तगड़ा है गाइज। ओ इसके पास फायर ब्लास्ट भी है, बट कोई बात नहीं यार, मेरे एक पोकेमोन ने इसके दो पोकेमोन हरा दिए। इसका आखिरी पोकेमोन एक क्लॉइस्टर है,
तो इसको तो मैं किसी से भी हरा सकता हूँ, पिकाचू से भी और मग से भी, बट मैं पिकाचू के साथ हराऊंगा, क्योंकि गाइस वाटर टाइप पोकेमोन को इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन से हराने में एक अलग ही मज़ा आता है। मानते हो ना मेरे ये बात? अगर हाँ बहुत मानते हो तो मेरे को कमेंट में बता देना गाइस। यार इसको भी हरा दिया और आई थिंक ये हमारी तीसरी बैटल थी। ओ वेल, आई होप यू विन। ओके थैंक्स ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विनिंग योर थर्ड मैच। योर नेक्स्ट बैटल विल बी हेल्ड ऑन ग्रास स्टेज। ओके ग्रास तो आई थिंक वो वाली थी। तो ओके यहाँ पे मैं फिर से ज़रा पोकेमॉन हील कर लेता हूँ, और यहाँ पे अगर बैकग्राउंड में अभी आपको शोर आएगा तो सॉरी गाइस, क्योंकि यार नीचे कोई चीज़ बेचने आया, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे एक और बात, गेम सेव कर लेता हूँ, गेम एक बार यार चले जाया, यहाँ से कोई काम धंधा नहीं है क्या? एक मिनट वेट करो गाइस, मैं उसको ज़रा भगा के आता हूँ। ओके तो गाइस मैंने वो जो भी कोई चीज़ बेचने आया था उसको भगा दिया, और अभी हम लोग शायद से हमारे पोकेमॉन हील हो चुके थे, मैंने इनर्स जॉय से पोकेमॉन हील करा लिए थे। तो अभी हमारी कहाँ पे बैटल है भाई? यहाँ पे क्या? नहीं ये वाटर स्टेज है, ये कौन सा स्टेज है? आई थिंक ग्रास स्टेज में थी, ये भी रॉक स्टेज है आई थिंक। ग्रास ये तो इंडिगो है, आई थिंक ग्रास पहली वाली थी। ओके वी आर करंटली सेटिंग अप, कम बैक इन फ्यू मिनट्स। ओके अब तक ये लोगों ने मैच के लिए ये नहीं बनाया। ओके तो हम लोग अभी थोड़ा बाहर घूम लेते हैं गाइज, ये तो गहरी है। सो आई लॉस्ट इन माई फोर्थ मैच, दीज ट्रेनर्स आर सो टफ, दे हैव टू बी चीटिंग। आई थिंक आई एम गोना हेड बैक टू पैलेट टाउन फॉर नाउ, गुड लक इन योर नेक्स्ट मैच। इफ़ आई डिडेंट विन देयर इज नो वे यू विल, कैच यू लेटर ओमकार। ओ राइट, योर फ्रेंड्स इज लुकिंग फॉर यू, ही इज़ अराउंड हियर समवेयर। ओके मेरा फ्रेंड कौन है यहाँ पे भाई, मेरे को तो नहीं पता। ओके ये ब्रॉक क्या कर रहा है यहाँ पे? हे ओमकार, आई हर्ड यू गॉट 8 बैजेस, सो आई केम अप टू वॉच, यू हैव ऑलरेडी won 3 मैचेस, इट गेट्स टफर फ्रॉम देयर, सो लेट्स मी सी इफ यू आर रेडी फॉर योर नेक्स्ट राउंड। ओके तो अभी ब्रॉक के साथ भी हमारी बैटल है, इसके पास इतने ही तो पोकेमॉन है। बल्बसौर, हमारा बल्बसौर, इसको गाइस हमारे बल्बसौर के पास कोई स्ट्रॉन्ग रास्ता मूव नहीं था, तो मैंने सिखा दिया एनर्जी बॉल। यार मिस कैसे हो सकता है यार, क्या फालतू की है? डिग, ओके उसने डिग यूज़ किया था इसलिए मिस हो गया था, बट कोई बात नहीं, हमारा एनर्जी बॉल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ग्रास टाइप पोकेमॉन, एक वल्पिक्स आ रहा है। ओके वल्पिक्स के लिए हमारे पास किंगलर है, यार बेचारा हमारा स्कॉल्टल अब तक पीसी में ही है, बट कोई बात नहीं, शायद से नेक्स्ट मैच में मैं उसको यूज़ कर लूँ, शायद से, ट्राई करते हैं। ओ बच गया यार, कोई नहीं अभी इसको मैं इससे मारूंगा, कोई दूसरा अटैक होगा मेरे पास, स्टॉम्प है ही, स्टॉम्प से मैं उसको ऐसा क्या बोलते हैं कुचल दूंगा, जस्ट लाइक एक जीव डोड है, तो इसी के साथ ये जाऊंगा। स्टॉम क्यों यूज़ किया मैंने इसके ऊपर? आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट मैंने इसके साथ स्टॉम क्यों यूज़ किया? स्कार्ड इसके लिए काफ़ी होना चाहिए, और जो कि है भी। ओके गाइज यहाँ पे इसको भी हरा दे रहा हूँ। यार ये आया क्यों मेरे पोकेमॉन को लेवल अप कराने के लिए? जू बैट, आर यू श्योर ब्रो? जू बैट को तो मेरा पिकाचू का एक सबसे वीकेस्ट इलेक्ट्रिक मूव भी कर देगा। आई थिंक डिस्चार्ज मेरा वीक अटैक होगा, आई थिंक नहीं डिस्चार्ज नहीं है, उसकी पावर ज़्यादा थी आई थिंक। ओके भाई ये आया ही क्यों था? वाव यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज एवर। ओके अब क्या बोल रहा है, बात करनी है? ग्रेट बैटल ओमकार, इफ़ यू वॉन्ट आई कैन ग्रूम वन ऑफ योर पोकेमॉन, इट मे हेल्प इन बैटल। मतलब ग्रूम का मतलब क्या होता है? ग्रूम का आई थिंक विच पोकेमॉन डू वॉन्ट मी टू ग्रूम, आई थिंक क्या करेगा ये? चलो बल्बसौर चूज देयर, बल्बसौर लुक्स अ लॉट बेटर नाउ। ओके ग्रूम मतलब साफ करके देगा। ओके यार ठीक है, आई थिंक अब तक तो हमारी हो चुकी रहेगी बैटल के लिए, हम लोग रेडी है अब तक। यहाँ पे एक बार पोकेमॉन हील कर लेता हूँ, और हमारा ग्रास स्टेज में अब तक बैटल होने वाली थी, तो अभी हम लोग शायद से रेडी है होपफुली। ओके राइट दिस वे, चलो अभी बैटल हमारी स्टार्ट होने वाली है। बिफोर वी बिगेन मे आई आस्क योर नेम? इट्स ओमकार। ओमकार इज इट वेल प्रिपेयर टू लूज ओमकार? ओके तो गाइज अभी हमें कौन से पोकेमॉन चूज़ करने चाहिए, चलो देखते हैं। आई थिंक गाइज ये ग्रास टाइप फील्ड है, तो यहाँ पे हमें चारिजार्ड को एक ऑब्वियसली यूज़ करना चाहिए। एक मिनट कहाँ गया चारिजार्ड को? फिर आई थिंक हम लोग मक को चूज़ करेंगे, और पीजीओट को बहुत टाइम से मैंने चांस ही नहीं दिया, तो इस बार पीजीओट को यूज़ कर लेते हैं। तो चलो अभी हम लोग गुड टू गो है ये बैटल के लिए। अरोमा लेडी जेनेट, ओके इसका नाम जेनेट है, पहला पोकेमॉन बीड्रिल होने वाला है इसका, तो हम लोग इसको आराम से फ्लेम थ्रोअर से फेंट कर सकते हैं, आराम से, कोई रिस्क ही नहीं है इसमें गाइस, मेरे को तो देखना भी नहीं पड़ा। इसका दूसरा पोकेमॉन साइथर है, साइथर के लिए भी हमारा फ्लेम थ्रोअर ही काफ़ी हो जाएगा आई थिंक।
काफ़ी क्या, बहुत हो जाएगा यार, हमारा चारिज़ार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बेलस्प्राउट, अरे ये तो तीनों पोकेमोन ग्रास टाइप थे यार, इसके लिए तो ये भी इजी इजी बैटल थी। तो ओके हमारा 4051 का हो चुका है यार। गाइस माय पोकेमोन ट्राइड देयर हार्डेस्ट, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। ओमकार गॉट 1568। ओके आई शॉल टेक माय लीव नाउ, गुड लक। ओके तो गाइस हम लोगों ने 4 मैच जीत चुके हैं ड्यू टू विनिंग ऑल 4 योर मैचेस। योर नेक्स्ट बैटल विल बी हेल्ड ऑन इंडिगो स्टेज। ओके तो गाइज अभी हम लोग शायद से 4 मैच तो जीत चुके हैं, अभी शायद से हमारी 5वीं मैच होने वाली है, तो उसके लिए मैं एक बार पोकेमोन हील कर लेता हूँ। और चलो आई थिंक इंडिगो स्टेज, मेरे को पता था किधर है, आई थिंक ये इधर है इंडिगो स्टेज। हे देयर, नाइस टू मीट यू, लेट्स बोथ डू अवर बेस्ट। ओके ओके तो यहाँ पे मेरे को पोकेमोन चूज़ करना है, तो चलो पहले सोचता हूँ कौन से पोकेमोन यूज़ करूँगा मैं। ओके तो गाइज ये हमारी 5वीं बैटल है, तो यहाँ पे हम लोग अभी हमारे बेस्ट पोकेमोन लेने वाले हैं, तो मैं चारिज़ार्ड चूज़ करूँगा, पिकाचू भी होगा हमारे इसमें। और अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे मैं बल्बसोर को चूज़ करूँ कि आई थिंक मग को चूज़ करना चाहिए। हाँ आई थिंक मग को ही चूज़ करना चाहिए। तो चलो अभी हम लोग बैटल स्टार्ट करते हैं। और गाइज जहाँ तक मेरे को याद है हमारी इंडिगो प्लेटो में तो लीग एक रिची नाम के लड़के से होती है, और आई थिंक ये वही है, बट ये लड़की दिख रहा है यहाँ पे। ओके ये यही है, क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद है वो रिची जो हमें इंडिगो लीग में मिलता है एनीमे में, उसके पास 3 पोकेमोन रहते हैं, एक बटरफ्री रहती है, एक चार्मेंडर रहता है और एक पिकाचू रहता है, और उसके भी पिकाचू का नाम आई थिंक स्पार्की कुछ तो रहता है, बट कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर ट्राई करता हूँ मैं। यहाँ पर हम लोग ईजीली शायद से डिफीट कर देंगे रिची को। ओके यहाँ पर स्पार्की आ रहा है, तो मैं भी मतलब पिकाचू वर्सेस पिकाचू करूँगा गाइस, जो एनीमे में हुआ था वही हम लोग यहाँ पे करने की ट्राई करेंगे। ओके हम लोग ट्राई करेंगे इसके ऊपर थंडरबोल्ट हिट करने का। ओके हमारा थंडरबोल्ट ने इतना हमला कर दिया गाइस, ये बहुत अच्छी बात है। अभी क्विक अटैक शायद से इसको टेक डाउन कर देगा। ओके तो यहाँ पे हमारा पिकाचू जीत चुका है गाइस, पिकाचू का भी लेवल 51 हो चुका है। अरे जिप्पो, आई थिंक ये वही लड़का है, तो हम लोग इसके लिए मक ला देंगे आई थिंक। हाँ मक, जिप्पो तो एक चार्मेंडर था। ओके इसके पास भी एक चार्मेंडर ही है, तो पहले हम लोग इसको टॉक्सिक करेंगे। फ्लेम थ्रोर आई थिंक मेरे ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं होगा, बट मैं बर्न हो चुका हूँ। ओके कोई बात नहीं, अब टैकल यूज़ कर रहा है, मैं फिर से इसको टॉक्सिक कर दूंगा। क्योंकि हमारे पास, मैं ये सब क्यों फालतूगिरी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे मूव्स है, जैसे कि मेरे को इसको वन शॉट किल करना है, और जो कि मैंने कर भी दिया हूँ, वन शॉट किल हो चुका है यार। ये इतना मतलब ऐसे पोकेमोन लेके ये इतने ऊपर कैसे आएगा, दैट वॉज फन वॉजेंट इट। ओके तो हमने इसको हरा दिया, आई कांट बिलीव हाउ दैट वेंट। ओके यू प्लेस इन द टॉप 16 दिस ईयर, कम बैक नेक्स्ट ईयर टू ट्राई अगेन, थैंक यू फॉर योर कम्पीटिंग। ओ योर ओमकार, यू आर नॉट प्रोफेसर ओक हिमसेल्फ वॉज रूटिंग फॉर यू, वाई डोंट यू गो टेल हिम हाउ डिड यू। ओके गाइज ये क्या फालतू गई है, मैं जीता रियल में मैच, बट यहाँ पे जो ऐश के साथ हुआ था वही हमारे साथ भी हो रहा है, मतलब हम लोग कैंटो में टॉप 16 में आ चुके थे। हालांकि अगर मेरे को गेम और खेलने देता आगे तो मैं जीत भी सकता था, कैंटो का चैंपियन बन सकता था, बट कोई बात नहीं, अगर गेम मेरे को नहीं चाहता करने के लिए तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे गेम एक बार सेव कर लेता हूँ। और वीडियो अब तक 18 मिनट की हो ही चुकी है, तो गाइज़ आई थिंक आज के एपिसोड में बस इतना ही था। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग रिटर्न जाएंगे, ऐश और ओमकार दोनों रिटर्न जाएंगे प्रोफेसर ओक के साथ पास, और वो बताएंगे क्या क्या हुआ। तो आई थिंक आज का एपिसोड आपको पसंद आया, और आप आज की एपिसोड में मैंने जो बैटल्स किए वो भी आपको पसंद आए, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।